बच्चों हम पढ़ रहे हैं आओ करें और सीखें, जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए हिंदी की वर्कबुक है, जिसमें व्याकरण के सारे बेसिक जो नियम और सारे बेसिक जो अभ्यास दे रखे हैं इसके आगे आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 346, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 297 पर है। ठीक है, 297 पेज नंबर पर जो अनुच्छेद है उसे हम पढ़ेंगे और इस को पढ़ने के बाद नीचे के प्रश्नों के उत्तर देंगे, जिससे कि हम समझेंगे कि प्रश्नों के उत्तर अनुच्छेद को पढ़कर किस प्रकार से दिए जाते हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। मानो संसार ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। सभी बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयां, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। तो ये एक अनुच्छेद दे रखा है जो कि ईदगाह के ऊपर लिखा हुआ है कि जब रमजान के 30 रोजों के बाद ईद आती है तो ईदगाह जाने की खुशी जो बच्चों में है सबसे अधिक वह कैसी है। सब अपनी बार बार जेबें टटोल रहे हैं और गिन रहे हैं कि उनके पास कितने पैसे, और इन्हीं पैसों से वह अनगिनत चीजें लेकर आएंगे। तो इस प्रकार का यहाँ छोटा सा अनुच्छेद दे रखा है और यह जो है ईदगाह कहानी से लिया गया है अनुच्छेद। तो इसमें जो प्रश्न दे रखे हैं, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा बच्चों, क्योंकि ये पूरा जो है ईदगाह के ऊपर लिखा हुआ है तो हम ईदगाह लिख सकते हैं। ठीक है, बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी क्यों पड़ी थी, तो बताइए आप बच्चों के बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी क्यों पड़ी थी। क्योंकि वे वहां से अनगिनत चीजें खरीद कर लाने वाले थे। ठीक है, इसलिए उन्हें ईदगाह जाने की बहुत जल्दी पड़ी थी। पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है, इससे क्या आशय? तो इससे आशय है रमजान के महीने में 30 रोजे मतलब उपवास। ठीक है, 30 रोजे रखे जाते हैं। ठीक है, 30 रोजे रखे जाते हैं और उसके बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, मनाया जाता है। अगला है, तुम ईद या दीपावली कैसे मनाते हो, लिखो। तो ये आपको यहाँ खुद लिखना है कि आप ईद मनाते हो तो आप ईद कैसे मनाते हो, यदि दीपावली मनाते हो तो दीपावली कैसे मनाते हो। तो इस पे आपको खुद लिखना बच्चों, जैसे हम दीपावली पर लिख सकते हैं क्योंकि दीपावली अभी आने ही वाली है ना। तो दीपावली कैसे मनाते हो, तो दीपावली कैसे मनाते हो तो हम लिख सकते हैं कि दीपावली के पहले घरों की साफ सफाई की जाती है। ठीक है, घरों की साफ सफाई की जाती है। ठीक है, दीपावली पर
नए कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, ठीक है। मिठाइयाँ बनाई जाती है, मिठाइयाँ बनाई जाती है, रंगोली बनाई जाती है, ठीक है। पटाखे छोड़े जाते हैं, आदि सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो।